हेलो गाइस, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे. मुझे कमेंट आया था बहुत लोगों का कि आप अपने बेबी को क्या देते हैं, कौन सा फॉर्मूला मिल्क देते हैं. तो मेरा बेबी जब हुआ था तो उस टाइम बहुत कम वेट के थे, तो उस टाइम इनका अलग मिल्क चलता था. और जब वेट इनका ठीक हुआ तो उस टाइम उसके बाद फिर अलग मिल्क चला है. तो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं कौन सा मिल्क यूज़ करती हूँ. जब इनका वेट, मेरी गुड़िया का वेट था 145 था, और एक मतलब 2 किलो से सबका नीचे नीचे वेट था. उस टाइम इनका मिल्क चलता था, ये प्री नाइन का है डब्बा, अभी दे वो रहे हैं मिल्क ना दूध का चलता डब्बा था. जो दे अरे दिया। नीचे तो रखा वो देना, मैं आपको दिखाती हूँ. देखो ये रहा प्री रैन, आई होप सबको आपको दिख रहा होगा. बट इस पे यहाँ नीचे लिखा हुआ है फॉर मेच्योर बेबी, फॉर न्यू बॉर्न 37 वीक, लो बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg. ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 kg तक के बच्चों को ही दिया जाता है, उससे क्या ऊपर के करवाला बच्चों को नहीं दिया जाता. उससे ऊपर के बच्चों को, जैसे देखो ये है प्री नैन है, तो वो प्रो नैन वन है, जो कि 2.5 किलो के बच्चों से ऊपर दिया जाता है, वो प्रो नैन प्रो वा वो वाला नैन है. वो 2.5 किलो, जब आपके बच्चे 2.5 किलो के नैन हो प्रो जाए वन तो है ना, उसके बाद नैन उनका प्रो वन जो डब्बा है वो चेंज करना है. ये प्री नैन है, नैन प्रो वन। नैन प्रो वन डब्बा है वो आपको, फिर उसके बाद वो चेंज करना है. तो मेरा शुरू से वही, बच्चों का शुरू से वही मिल्क चला है. और आप सबका कमेंट ये आ रहा था कि आप अपना मिल्क क्यों नहीं देते हो, आपको ये खाओ वो खाओ तो आपका मिल्क. अरे कितना भी कुछ भी खा लो, आपने कभी 3 बेबीज को एक साथ मिल्क पिलाया है? ये बताइए, हम एक की पूर्ति पूरी कर सकते हैं कुछ खा पी के, तीनों की कैसे कर देंगे यार? बॉडी भी तो देखो ना, कितना खाओगे कितना दूध निकलेगा. अब अच्छा, बेबी जब जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, डाइट भी चेंज सोच होती रहे है, हैं। एक्स्ट्रा मिल्क चाहिए, तो एक बंदा नहीं पूरा कर सकता उसको. तीन तीन बेबी है, कोई एक नहीं है जो मैं कुछ खा पी लूँ, कुछ खा पी के मैं दूध बनना स्टार्ट हो जाए और मैं बेबी को देना स्टार्ट कर दूँ और वो पी ले, तो ऐसा नहीं होता. ठीक है, आपने मुझे बोला कि आपको दूध नहीं उतरता, आप ये खाएं आप वो खाएं, ऐसा नहीं है. दूध नहीं उतरता, दूध अच्छे से उतरता है. और मैंने पिलाया भी है, 1 मंथ मैंने अपना दूध ही पिलाया है इन्हें. बट धीरे 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 फिर मैंने उनको बंद कर दिया, क्योंकि मैं अपना नहीं दे सकती ना मैं, क्योंकि बच्चों को जब तक उन लग रहा हो कि उनका पेट भर रहा हो. दूध दे दे, थोड़ा शुरू तो के एक लाल महीने लगा भी दे, मैं अपना भी देती लाल थी और ये दिया। वाला मिल्क भी देती थी. सुन मैं सिर्फ अपने पे नहीं डिपेंड रही, मैं ये फॉर्मूला मिल्क भी इनको देती अब थी. याद आ रहा है अगर इनको, एक बार इनको दे रही हूँ अपना, तो पिंक दूसरे को मैं पिंक फॉर्मूला मिल्क देती थी. फिर उसको ये नेक्स्ट टाइम तो उसको फिर दे रही हूँ दाने लग अपना, जाएगी। तो तो फिर इसको फॉर्मूला मिल्क देती थी. ऐसे तीनों को मैंने ऐसे मैनेज हैशटैग किया मोसी है. डाल देंगे, ये हैशटैग मोसी डाल देंगे, और हैशटैग मोसी डाल देंगे, मोसी डाल देंगे। बहुत सारे कमेंट आते, हाँ बहुत तो सारे मोशी मैंने डाल मतलब काफी सारे कमेंट पेन देखा. देंगे, और हाँ एक चीज और, एक हैशटैग तो एक कोई शख्स है, देखो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं नहीं किसी का नाम लूंगी यहाँ पे. वो है, वो तो ऐसे कह रही है कि तीन तीन बच्चे गरीब के घर में नहीं पल सकते. तो मैडम आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आप ऐसा ना बोलें कि तीन तीन बच्चे गरीब के घर में नहीं पल सकते. अगर ऐसा होता ना तो भगवान देता ही नहीं गरीब के घर में तीन तीन बच्चे. और तो और जितने पैसे मैंने लगाए हैं ना, उतने आप सोच भी नहीं सकते हो और ना आप कभी जिंदगी में लगा सकते हो. ऐसा बोले मैंने बहुत पैसे लगाए हैं, तो आप किसी को ऐसे अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट भी ना करें, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे. आप ऐसा ना बोले, देखो मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है. आप ऐसा कमेंट कर रही हो कि गरीब के घर में तीन बच्चे नहीं पल सकते, तो सोचो ये वो कमेंट पढ़ के मेरे पे क्या फील होता होगा, कि कितनी मुसीबत से मैंने, कितने मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, कितने मेरे ट्रीटमेंट में पैसे लगे हैं, उसके बाद फिर ये लोग आए, इसके होने के बाद पैसे लगे हैं. मेरे बेबी सारे लो वेट के पैदा हुए थे, कितना सबका वेट कम था. जब मेरी गुड़िया पैदा ली थी तो उस टाइम रो रहा है कुछ, जब मेरी बेटी पैदा ली थी तो उसका वेट 145 था. उस टाइम उसको NICU में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत थी एकदम से. दो इधर दो ना, ऐसे चुप नहीं होगा. दो दूध पिलाना भाई से, अरे तो दो तो सही.
तो उसको उस टाइम एनएसयू में जाना था, वो जो यहाँ पे था बहुत तेज धक 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 बहुत तेज हार्ट बीट बहुत तेज चली थी, उस टाइम गुड़िया को एनएसयू में बहुत जल्दी एडमिट करना था, बट बाद में वो ठीक हो गई। और मेरा जो बीच वाला बेटा है, मैंने बीच वाले बेटे का नाम गगन रखा है, मेरा जो गगन बेटा था उसको फिर उन्होंने बाद में उसको हार्ट बीट तेज हो गया तो उसको उन्होंने एडमिट कर लिया। मेरी बिटिया को भी रखा था उन्होंने, तीन दो तीन दिन वो भी एनएसयू में रह के आई थी। सिर्फ जो मेरा बड़े वाला बेटा है गौरव है उसको ऐसे ही दे दिया था, उसको नहीं रखा था, बट जो गुड़िया है उसको भी रखा था। और मेरे बड़े वाले बेटे को पूरे 10 दिन उन्होंने एनएसयू में रखा था और पूरे 10 दिन का बिल बहुत अच्छा बैठा था, बहुत तगड़ा बिल बैठा था मेरा, क्योंकि प्राइवेट में पैदा लिए हैं तीनों ने और प्राइवेट में एनएसयू में हर एक दिन का खर्चा कितना बैठता था, किस दिन पर डे का 40-50 ऐसे पर डे का बैठता था। तो सोचो 10 दिन में कितने पैसे लगे होंगे, फिर 10 दिन में मैंने इनको, फिर ऊपर से मेरा भी, मेरी डिलीवरी का चार्ज, मैंने वहां रही उसका चार्ज, तो सोच सकते हो कि कितना खर्चा हुआ है। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा कमेंट ना करें कि गरीब के घर में 3 बच्चे नहीं पल सकते। भगवान ने दिया है मुझे तो पालने की हैसियत भी रखी है, पालने की हैसियत मुझे दी है और मैं पालूंगी भी। तो प्लीज आप ऐसा मुझे तो छोड़ो, आप किसी को भी ऐसा कभी ऐसा कमेंट ना करना। हाँ, आप लोग सब पूछ रहे थे कि एनएसयू में कितने दिन रखा, 10 दिन तक तो एनएसयू में रहे थे। 10 दिन बाद ही वो मेरे पास आया नहीं था, जबरदस्ती मंगवाया था वो। उसके बाद भी कह रहे थे कि अभी नहीं, अभी इनको और रखना पड़ेगा, अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुए हैं, ये वो वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं प्लीज़ मेरे बच्चों को मुझे दे दो। और फिर जब मैंने इनको भेजा, मैंने अपने हस्बैंड को भेजा, बिकॉज मैं तो जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे सी सेक्शन था तो मैं नहीं चल पा रही थी इतना, क्योंकि दूसरे मंजिल में मेरा फ्लोर घर है और दूसरे मंजिल से नीचे उतर के हॉस्पिटल जाना इम्पॉसिबल। तो फिर इसलिए मैंने अपने हस्बैंड और मैंने अपने देवर को भेजा कि जाइए और उनसे बात कीजिए, बिल वगैरह क्या है वो पता कीजिए। तो एट ए टाइम पे उन्होंने बिल इतना तगड़ा फाड़ा था कि पूरा दिन तो वो हॉस्पिटल में ही वेस्ट हुआ था, पूरा दिन वो हॉस्पिटल में वेस्ट हुआ था कि बिल को ठीक करते करते बिल का ही भरते 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 भरते। एनएसयू में रहने के बाद ही वो ठीक हुआ था। फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं मुझे दे दो, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं हैंडल कर लूंगी। फिर उन्होंने बोला कि इसको ये दिक्कत है वो दिक्कत है, मेरे को कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बाद में बोला कि अगर इनको कोई भी दिक्कत हो तो आप फटाफट इमरजेंसी में लेके आ जाना। और फिर मैंने कहा ठीक है। फिर वो मेरे पास आए तो आप सबको पता है कि माँ के पास आने वाला बच्चा हमेशा ठीक रहता है। तो उसके बाद फिर टचवुड इनको कभी कुछ नहीं हुआ और फिर मतलब इमरजेंसी में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और आपके सारे कमेंट का जवाब देने के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं ना, तो मैं जवाब नहीं दे पाती। मैं कमेंट का रिप्लाई दूं या मैं अपने बेबी को देखूं, तो वो भी तो देखो ना, है ना। ये देखो मेरे बेबी को, वो देखो, इसका नाम है गगन। गगन देखो, ये रहा गगन। कौन देखो, बाकी मेरी बेटी है सो रही है अभी और मेरा बेटा दूध पी रहा है। ले ले ले, आइए मेरे बेबी ना, अब 3 महीने के ये होएंगे। आप सब कमेंट करते हो ना कि अभी कितने महीने का है, कितने महीने का है। 3 महीने का नहीं, 3 महीने चल रहे हैं अब, ये 3 महीने का कंप्लीट हो जाएगा 6 तारीख को। 6 तारीख कब का? 300 दो दिन बाद ये 3 के पूरे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, एक का कमेंट था कि मेरा बेबी जब पैदा लिया है तो वो 1 किलो 800 ग्राम का था, आप 5 महीने का हो गया तब जाके 4 किलो का है। तो मैं आपको बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा लो वेट है वो, तो प्लीज़ उन पर ध्यान दीजिए आप। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की, आप उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 5 महीने का बेबी होने के बाद भी उनका सिर्फ 4 किलो वेट है तो ये बहुत ज़्यादा कम है। तो आपका कौन सा मिल्क, आप अपना मिल्क दे रही हैं या फॉर्मल मिल्क दे रही हैं, अब मुझे तो ये नहीं पता, मुझे बताएंगी तो उसके बाद ही मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगी कि आप क्या करें जो आपके बेबी का वेट है ठीक होएगा। वैसे भी अब तो 5 महीने आपके 5 महीने हो गए हैं, बस 1 महीने की बात और है, उसके बाद तो आप उसे अच्छे से डाइट घर के दे सकते हैं, जैसे दाल का पानी हो गया और कोई भी फ्रूट उसको मैश करके उसको उसके निप्पल में डाल के उसको दे दिया, वो अपना पूरे दिन
शक्कर करके वो सारा वो जो फ्रूट है वो खा सकते हो। तो बस एक महीने की बात और है, एक महीने और वेट कर लो। और उसके साथ अगर मिल्क देना है तो आप मिल्क दे सकते हो। नहीं, जैसे आप अगर आप अपना मिल्क देते हो, अगर आपके मिल्क से, वैसे तो माँ का दूध वरदान होता है, अगर आप अपना दूध दे रही हैं तो अपना ही देते रहें, और ऊपर से खाना पीना मतलब उसका जब 6 महीने का हो जाएगा तो उसके मतलब डाइट भी थोड़ी चेंज करते रहें धीरे धीरे। दूध पे डिपेंड मत रखना बच्चों को बिल्कुल भी, थोड़ा 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 कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ खिलाते रहें तो बेबी का वेट बिल्कुल ठीक रहेगा। और बाकी मैं अपने बच्चों से मिलवाऊँ आपको। देखो ये देखो ये देखो, ये मेरी बेटी का नाम गनिका है, गनिका। ये चलिए अपने ऑफिस, उसने खाना खा रही है पीछे बैठ के। और ये देखो मैं चली। अब इस टाइम फिलहाल मैं अपने मायके में हूँ। मैंने अपने आपको पूरा अपना टूर दिखाया था मायके का, ससुराल से लेके मायके जब मैं आती थी तो पूरा मैंने आपको दिखाया था। तो इसलिए मैं मायके में, बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे, इसलिए मैंने बच्चों को पूरा कवर कर रखा है। ऐसा नहीं है जैसे आप लोग कहते ना कि आप बच्चों को कवर नहीं रखती हो, जुराब नहीं पिलाती हो, टोपी नहीं पिलाती हो, कुछ पहनाती नहीं हो। तो मैं पहनाती हूँ, अगर मुझे लगता है कि जहाँ सर्दी है वहाँ मैं जरूर की जरूर पहनाती हूँ। बच्चों से खिलवाड़ मैं भी नहीं करती हूँ। मेरे ससुराल में टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रहता था, वहाँ पे सर्दी थोड़ी कम लगती थी, तो इसलिए मैं वहाँ पे इतना नहीं पहनाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे को गर्मी बहुत लगती है, उसका हेड बिल्कुल गर्म हो जाता है, वो बेचैन हो जाते हैं। और देखो मैं, पता है मैंने क्या कहते हैं, बहुत सारी मुसीबतें आई हैं मेरे साथ भी, ऐसा नहीं है तीनों की तीनों बिल्कुल ऐसी यादें गए हैं। बहुत डर डर के रातें कटी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक रहे हैं, मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ, बिल्कुल अब तक तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चलती हुई। अरे नहीं, ये जो 3 महीने मैंने काटे हैं ना तो वो बहुत मुश्किल से कटे हैं, बहुत मुश्किल से 3 महीने कटे हैं। बहुत रातें मैंने मैं मेरे हस्बैंड में से कोई एक जागता था, हस्बैंड को फिर भी नींद आ जाती थी, बट मैं जागना ही जागना है रात को। क्यों? क्योंकि जो मेरी छोटी वाली गुड़िया थी, गनिका नाम है उसका, वो जो थी उसको जो एक तो वो बहुत ज्यादा वीक थी। एक सेकंड ना, आ जा बेटा, आ जा तू, आ जा आ जा आ जा आ जा मामा पास, आ जा जल्दी जल्दी, लो इसको, लो उसको दे दो मुझे। इधर क्यों बैठा है? वो लोला मेरा बेटा, लोला बड़े वाला। इधर नहीं बैठ सकता। गोद में रखो। आजा। और मैं बेटा, और मैं पाला बेटा। मैं पाल। हाँ जी। अरे ये सलाम। नहीं यार, अपलोड करनी है मुझे वीडियो। लेटेन वॉच। बस बस थोड़ी देर और, मम्मा थोड़ी देर। ये ना मेरा बेटा, ये मेरा बड़ा बेटा, गौरव नाम है इसका। आप कहते हो ना बड़ा छोटा मत बोला करो, नाम लेके बुलाया करो। इनका नामकरण बहुत पहले हो चुका है। बड़े वाला का नाम गौरव है, फिर गगन, फिर गनिका। ग से नाम निकला है तीनों का। क्या बता रही मैं आपको? हाँ, मेरी बेटी का बहुत लो वेट था। वो जो क्या करती थी, अगर उसको हम जैसे दूध पीने के बाद हम उसको डकार भी दिलवा देते थे, और उसको जो हम सुलाते थे सोने के बाद, वो क्या करती थी, दूध जो है वो सीधा उसकी सांस की नली में घुस जाता था, सांस की नली से वो नाक से निकल के आता था। वो बहुत बेचैन हो जाती थी, पूरा फेस नीला कर लेती थी, अपना सांस रोक लेती थी, पूरा बॉडी जो है वो बिल्कुल टाइट कर लेती थी। तो उस टाइम सोचो, उस टाइम घर पे कैसा, हम सब पे क्या बीतता होगा उसका वो हाल देख के। तो हमने वो दिन भी निकाला है, उसको उस टाइम पे भी ठीक किए है, कहीं जैसा जैसे भी ठीक किया हो, बट ठीक किया है। अब वो मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक है। अब वो ऐसे थोड़ा निकाल लेती कभी कभी, बट ऐसा नहीं करती कि बॉडी बिल्कुल टाइट कर ले, चेहरा नीला कर ले, अब ऐसा नहीं करती। क्योंकि अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो उसकी जो क्षमता है झेलने की वो झेल लेती है। पर अगर आप सबके, अगर आपका भी बेबी कभी, मैं जिसका भी बेबी छोटा हो, कुछ भी हो, ट्विंस किसी के हो जाते हैं, उसमें से एक लो वेट पैदा हो जाते हैं,
तो अगर आपके बेबी के साथ भी अगर ऐसा हो रहा हो कि वो नाक से दूध निकालता हो कुछ भी, तो पहले तो उसको किसी चीज जब सुलाएं तो उसको तकिए पे सुलाएं। मैं तकिए पे इसलिए सुलाती हूँ, आप सबका कमेंट आता है तकिए पे ना सुलाएं। मैं अपने बेबी के सिचुएशन के साथ सुने तकिए पे सुलाती हूँ क्योंकि उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है इसलिए। तो अगर आपके बेबी के साथ भी कोई दिक्कत है ऐसे दूध दूध निकालने का, तो पहले तो उन्हें तकिए पे सुलाए। अगर वो डकार ले लेते हैं उसके बाद भी अगर उसे करवट पे सुलाओगे तो वो बहुत कम चांस होगा कि वो दूध दूध निकालें। और फिर भी अगर निकाल लेते हैं, बॉडी अगर ऐसे टाइट कर रहे हैं और सांस नहीं ले पा रहे, तो उनको उसी टाइम ऑन द स्पॉट अपनी गोदी में लेके और ऐसे ऐसे हल्का हल्का थपथपाएं, और उसके बाद भी ना ठीक हो तो खुली जगह पे बिल्कुल जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिल रहा हो, भीड़ भड़क कर अपने फैमिली होते हैं ना कि इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस बीच से भी हट जाओ, बिल्कुल साइड में जाके उसको अच्छे से प्यार से थपथपाओ और खुले में उसको ऑक्सीजन दो, तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। मेरी गुड़िया भी ऐसी करती थी, तो वो दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल का दिन गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का। अब मैं जाके थोड़ी सी टेंशन, उसकी वो वाली टेंशन कम हुई है क्योंकि पहले ऐसे था, अब ऐसा नहीं करती वो। हाँ बेटा खा चाहिए आपको, लो बात कर लो। हाँ एक कमेंट ये आया था कि आपके तीन तीन बेबी होने के बाद भी मोटे मोटे हैं क्या? पहली बात तो ऐसा ना बोलो कि मोटे मोटे हैं, ठीक है? और दूसरी बात कि इनके 3 महीने होने के बाद ये ऐसे हुए हैं और ये ऐसे नहीं हो गए हैं। ये इनको जो ये क्या कहते हैं प्रीनैन का जो है, इनका जो फॉर्मुला मिल्क दे रही हूँ, एक तो फॉर्मुला मिल्क बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, वो कोई सस्ता नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर वो फॉर्मुला मिल्क डेली अगर वो कोई मिल्क एक दिन में ख़त्म हो रहा हो तो आप सोच सकते हो एक डब्बा जो है वो कितना था, 600 का एक डब्बा, 600-700 का एक डब्बा है वो, और वो डब्बा सिर्फ और सिर्फ एक से डेढ़ दिन ही चलता, उसके ऊपर नहीं चलता वो। तो आप महीने का हिसाब लगा सकते हो कि कितना बिकता होगा। और किसी का क्या क्या कमेंट था मुझे पता है। और हाँ आप सब कहते हैं प्रेगनेंसी में आपका सिस्टम कैसा था, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि अभी इतनी वीडियो बनाऊंगी। वैसे प्रेगनेंसी में हाँ कोई बताया था कि पैर में दर्द होता है, जी पैर में दर्द होता है प्रेगनेंसी में। मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द रहता था, इतना दर्द रहता था कि मैं सबको दुखी कर देती थी, मैं अपने हस्बैंड को परेशान कर देती थी कि मेरे पैर दबाओ, और वो बेचारे दबा दबा के परेशान हो जाते थे, इतना मेरे पैरों में दर्द होता था। और बेबी मूवमेंट की बात रही तो मुझे मूवमेंट जो है वो हर सेकंड में फील हुआ करता था, क्योंकि तीन तीन थे, एक शांत होता था तो दूसरा लात मारता था, दूसरा शांत होता था तो तीसरा हलचल करता था। तो यही हाल होता था मेरे प्रेगनेंसी में, मेरा उठना बैठना सब मुश्किल था। करवट भी एटलीस्ट मैं करवट भी लेती थी ना, तो वो भी ऐसे मतलब अपने पेट पे हाथ रख के पेट को पहले बीच में उठा के फिर साइड में रख के तब जाके मैं करवट लेती थी। पूरी रात सोना मेरा मुश्किल हो जाता था, बहुत कठिन से मेरी प्रेगनेंसी का टाइम भी बहुत मुश्किल से कटा है। बट हाँ ये है कि अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, एक्टिव रहें, सोए ना रहें, अपने शरीर को लेजी ना बनाएं। बिल्कुल अगर एक्टिव रहोगे तो जाके बेबी भी अच्छे रहेंगे, आप भी सही रहोगे। अब कई होते हैं कि जो ऑपरेशन कराने के बाद बिल्कुल सीधा बिस्तर पकड़ लेते हैं कि नहीं जी हमारा तो ऑपरेशन हुआ है, हम हिल नहीं सकते, हम डुल नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल मत करो, अपने बॉडी को जितना एक्टिव रखोगे आप उतने अच्छे रहोगे, उतने हेल्दी रहोगे। जितना बड़े पड़े एक तो अगर आप बिस्तर पे हिले रहोगे तो आपका सबसे पहले तो आपका वेट गेन हो जाएगा। अगर बॉडी में वेट गेन हो जाए तो उसको लो करना बहुत मुश्किल होता है। हम अपने बॉडी को हाई कर सकते, लो नहीं कर सकते। लो करने में मेहनत लगा, जो लो जिम जाओ ये करो वो करो दुनिया जान के तो इसलिए होते हैं, वो करने पड़ते हैं। तो इसलिए आप अगर आपका ऑपरेशन भी है तो एक्टिव रहे। मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैंने ऑपरेशन के बाद ही मैं वॉक करती थी, मेरे हस्बैंड मुझे वॉक करवाते थे वहीं पे ही हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर मैं उठ के इनको फीड भी करा रही थी, घर पे आई, घर पे इन्होंने मेरे लिए चेयर ले, क्योंकि मेरा घर सेकंड फ्लोर पे था, ये मेरे लिए चेयर लेके आए कि मैं आपको चेयर पे लेके जाऊंगा ऊपर तक। ये थे और मेरे पापा जी थे, वो कह रहे हैं हम आपको चेयर पे लेके ऊपर तक जाएंगे। मैंने कहा नहीं मुझे चेयर पे नहीं जाना, मैं चलते चलते सीढ़ी तक जाऊंगी।
जो कि सीढ़ी चलना भी मना कर रखा था। मैंने कहा नहीं मैं चलते चलते सीढ़ी तक जाऊंगी। मैं सेकंड फ्लोर तक मैं खुद चलते हुए गई थी मेरे हस्बैंड के सहारे से गई। मैं सहारा मैंने लिया ऐसा नहीं है, मैंने सहारा लिया बट मैं सहारे से गई। ये नहीं कि मैं चेयर पे बैठ के गई आलसियों की तरह, नहीं। वीडियो को कैसे सुन रहे हैं मेरी बात कि मामा किससे बात कर रही है और किसका क्या क्या सवाल था प्लीज मुझे कमेंट करके बताना जरूर। और अगर मैं किसी को रिप्लाई ना कर पाती हूँ तो प्लीज मेरी बहनों आप नाराज ना हुआ करो, है मुझे इतना मौका नहीं मिल पाता कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। हाँ मैं किसी का अगर मुझे मतलब जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं रिप्लाई करती हूँ बट हर कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर पाती क्योंकि मुझे अपना बेबी भी तो देखना है ना। आई होप अंडरस्टैंड आप समझ रहे होंगे मेरी बात, है ना। तो इसलिए प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप सबसे नाराज़ ना होया करें। जैसे मुझे मौका मिलता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोग पे कि हाँ आपको एक कमेंट आओ बेटा कहो 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 मेरे बाबू को और आप लोगों को लगता है मैं सबकी बहुत तेज से देती हूँ, थपकी मैं तेज नहीं देती हूँ। वो आप लोग को फोन में आवाज बहुत तेज आती है मैं थपकी देने की, बाकी मैं थपकी आराम आराम से ही देती हूँ। प्लीज नेगेटिव कमेंट मुझे मत क्या करो यार, मैंने बहुत बहुत मतलब रोना आता है नेगेटिव कमेंट देख के तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ कमेंट उल्टा सीधा देखती ना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे मेरे को नेगेटिव कमेंट ना करा करें कोई भी। खा रही हूँ बेटा सब मेरे पीछे पड़ के खाना खा ले खा रही हूँ अभी खाना। और वो बेटा मैं पाले बेटा मैं मुन्नू बेटा और मैं चुन्नू बेटा उन्नू लुल्लू मैं बेटा मैं पाला पाला बेटा मैं दोनों नुन्नू बेटा देखो मैं आपको दूसरे बेटे को दिखाऊं। देखो ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, पाला बेटा है। देखो आपको इसी के डिंपल दिखते हैं क्योंकि इसी के दो दो डिंपल आते हैं। उसको देखो क्या कर रहा है करो आए। और खाना खा लो आप सब आके, मुझे भी भूख लग रही है बहुत तेज। हाँ और पूछे थे आपका मायका कहाँ है, मेरा मायका द्वारका से पहले है नवादा। आप आए क्या आप सबको पता हो नवादा वहाँ पे मेरा मायका है। ससुराल मेरा मयूर बिहार फेस 3 है जो नोएडा के पास में है, नोएडा से टच है वहाँ मेरा ससुराल। और आप और कहीं कमेंट आता कि आप ससुराल में ही रहो आपकी सास आपकी हेल्प कर देगी। तो देखो मेरी सास भी जॉब करती हैं और कोई कितना हेल्प कर देगा यार। पता क्या जब बेबी खेलते रहते हैं तो कोई आके पकड़ तो लेता है, दो चार मिनट के लिए पकड़ लिया खेल लिया उसके बाद लाके हमारे पास ही दे देते हैं। ये कहने की बात है ये हेल्प कर देगा अपने बच्चों को खुद ही करना थोड़ा बहुत कोई कर देगा कोई पकड़ लेगा कि मेरे ससुराल में भी यही होता है तो थोड़ा सा पकड़ लेगा। पूरी रात तो हमें ही जागना पड़ता है, पूरी रात तो हमें ही करना है, पूरी रात कोई नहीं जागता। जितना माँ बाप ख्याल रख लेंगे उतना कोई नहीं रख पाता, दिन कोई भी कर लेगा रात को कोई नहीं कर पाता। तो मैं इसलिए अपने ससुराल में नहीं रहती क्योंकि मेरे ससुराल में कोई नहीं है। मेरे ससुराल में मैं मेरे हस्बैंड और मेरे एक देवर है और मेरे ससुर जी हैं और मेरी सासू माँ है और मेरी सास भी जॉब करती है, मेरे ससुर भी जॉब करते हैं और मेरे देवर जी भी जॉब करते हैं, बस मैं और मेरे हस्बैंड बचते हैं।
तो हमें ख्याल रखना पड़ता है। मेरी सासू माँ आती है रात को, आने के बाद पकड़ती हैं इन्हें, ऐसा नहीं है मना नहीं कर रही कि नहीं पकड़ती हैं, वो बहुत ख्याल रखती हैं इनका भी, बट उनको भी प्रॉब्लम है, मतलब वो दवाई वाई बहुत खाती है, थायराइड है उन्हें, तो रात को उनको सोना भी होता है, तो दवाई खाने में तो बहुत नींद आती है, वो नहीं बैठ सकती मेरे साथ रात को, तो रात को हमें खुद ही इसलिए देखना पड़ता है। वो फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि उनका ध्यान रख पाए, बट ठीक है उनकी बॉडी है, एज हो चुकी है, वो नहीं कर पाती, तो नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, है ना। बाकी मेरे मायके में मेरी मम्मा है, पापा है, और मेरी पांच बहनें हैं, हम पांच बहनें हैं, पांच में से हम तीन की शादी हो गई है, दो बहनें अभी हैं, एक भाई है, हम सब है। सर्वाइकल है मुझे, मैं ज्यादा देर झुकती हूँ तो मुझे पेन हो जाता है, और पूरी बॉडी में पेन है, पर फिर भी देखना है बेबी क्या कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट कर देना, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सबके कमेंट पे ही, मैंने जिस जिसका कमेंट आया था उसका सबके कमेंट का ही जवाब दिया है इस वीडियो में, सबका तो नहीं, मतलब जिसका मुझे मेल लगा मैंने उसके कमेंट का रिप्लाई कर दिया। और एक पूछ रहे थे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जी मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, और उसमें से मेरे बच्चों का भी ब्लड ग्रुप जो है उसका ए पॉजिटिव है, किसी ए बी पॉजिटिव है, और एक का जो है वो बीच वाले लड़के का तो ए बी पॉजिटिव है, ऐसे है हमारा ब्लड ग्रुप। मैं दूसरे बेटे में बड़ा हूँ, आप लोग कहते हैं मुझे बड़ा मजा आता है आप लोग की बेबी को देख के, देखो कैसे देख रहे हैं, मतलब बेटा मेरा नू बेटा मापो नू बेटा गुली गुली और गुली गुली। अब देखो मेरे बेटे जागने की कोशिश कर रही है, ओ मेरे बेटा मैं मुन्नी बेटा, आपको भूख लगेगी, मेरे बच्चे को भूख लगेगी, हाँ देखो पापा से लाड़ प्यार चल रहा है उनका, बेटा से हाय हाय करो सबको, देख 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 कैसे देख ला मैं बच्चा, ऊपर तो हाय कर दो सबको, हाय करो, नहीं करना मन नहीं करने का, हेलो गाइस, अब बाय बाय, आई होप भी जो बहुत छोटी है, मैं थोड़ा सा भूख लगी, खाना खा लूँ, आपसे दोबारा बात करती हैं, ओके। ये देख लो मेरी बेटी, देखो बेटी जाग गई, मेरी बेटी जाग गई, और बेटा गनिका गौरव गगन गनी का, चलो मैं आपको दिखाती हूँ बाकी सब क्या कर रहे हैं। पिता आपको बाहर नहीं जाना, आपको बहुत छर्दी लगेगी, आपको बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी, ओके ओके। मैं बाबू मैं छोना बेटा है तू, मैं मोना बेटा है तू, मैं टनू है तू, मैं मोनू है तू, ओ माय गॉड सी लुक एट दिस फेस, बेटा खेलो
खेला 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 बाहर से होके आते हैं। ओ मामा पागल है क्या? मेरे पैर में बहुत तेज लग रही है, मैं बहुत लंगड़ा के चल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ना उस दिन जब मैं यहाँ से घर जा रही थी ना, तो मैं सीढ़ी से पलटी खा गई थी बहुत जोर की, और मेरे पैर का ना नीचे से ऊपर से सीधा नहीं, ऊपर किसी सीधा नीचे गिर गई थी। मेरे बहुत तेज लग गई मेरे पैर में, मुझे चला नहीं जा रहा, मैं लंगड़ा लंगड़ा के चलती हूँ। देखो ये हमारा डॉगी जिस पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि बहुत परेशान करता है ये गेट भी बंद नहीं होने देता मम्मी। और बाकी मैं आप सबको औरों से मिलवाती हूँ। हाँ, मैं तो रोटी खा रहा हूँ। मेरे पापा कह रहे मैं रोटी खा रहा हूँ, मेरी मम्मी रोटी बना रही है मेरे पे बहुत गुस्सा कर रही है कि खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। वो देखो मेरा कबाब खाना घर। ये घर अभी बहुत खराब हो चुका है, हमें इसे चेंज करना है बहुत जल्दी। देखो मम्मा रोटी बना रही है हमारी। देखो पापा का खाना, आप खड़े खड़े खाने क्यों खा रहे हैं, बैठ के खाओ ना। हाँ जा रहा हूँ ना। अंदर जाओ ना, बच्चा सब देख खोजे आपको। अगर किसी को खाने की रेसिपी चाहिए तो बता देना, मैं दे दूंगी। ये देखो, और हमारा काम है पूरे दिन किचन में घुसना। हाँ क्योंकि हम बहुत परेशान करते हैं। और फिलहाल और अभी कोई भी नहीं है, और बाकी सब जा चुके दूसरे रूम में धरे। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है बाहर। ये देखो पागल हो गई है। इनको बहुत शर्म आती है, अगर मैं इनको वीडियो में ले लूं तो बहुत शर्म आती है। ओ मेरा बेटा, बेटा बहुत ठंडी हो रही है बाल, बहुत ठंडी हो रही है बेटा, बहुत ठंडी हो रही है। बेटा ढक ले इसको, ढक ले ढक ले मेरे बाल, ढक ले ले कमल ओढ़। मेरा बेटा, पाउच बना ले, चुम्मी दे लो आप सबको, पुच्ची कर ले पुच्ची, मैं बेटा पुच्ची कर लो पुच्ची, देखो। ओ लो ना, नहीं आ जाओ आ जाओ मम्मा पास आ जाओ। हाँ आप सब सही कहते हो कि मेरी गुड़िया मुझे बहुत परेशान करती, बहुत रोती है लड़की, इसको सिर्फ मम्मा चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ओ मम्मा का बेटा, ओहो ये मलती गुड़िया गुड़िया, ओ ले 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 ओ ले 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 ले, देखो ये देखो टोपी हमने मुंह से लेती गुड़िया, देखो देखो मम्मा को पूछ दे दो बेटा, देखो देखो जाने बड़ी दीवानी, दिले दिले बन जाए कोई कहानी, मेरी गुड़िया है मिल प्याली बिट्टी है। ना बेटा रोना नहीं, बातें करो। मेरी बेटी, मैं पाली बेटी। ओ ओ, ओ यही मेरी गुड़िया थी जो अपनी नाक से दूध निकालते थे, जो अपनी मम्मा को बहुत डराती थी। ओ